नमामि गंगा ट्रीटमेंट प्लांट में हादसे में 16 लोगों की मौत और 9 लोगों के घायल होने के मामले में अब कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि इस मामले में सरकार गंभीर है और जो मदद इस मामले में प्रभावितों को होनी चाहिए वो की जा रही है, वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम में मानवता नहीं दिखाई, सरकार को जिस तरह की मदद करनी चाहिए थी वह नहीं हुई। प्रभारी मंत्री तो हरेली के प्रोग्राम में वहां थे, इसलिए सौभाग्य से, नहीं तो जहां भी आपदा आ रही है इनके प्रभारी मंत्री नहीं जा रहे। आपने देखा है 7 दिन के बाद सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन वहां की स्थिति यह है कि जो UPCL के अधिकारी हैं, जो नमामि गंगे के अधिकारी हैं, मेरे पहुंचने तक नहीं आया था कोई भी जिम्मेदार अधिकारी। इसका मतलब सरकार का प्रेशर नहीं है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हमारी मांग है। और सरकार के इंतजाम पूरे नहीं हैं। जिन लोगों को परसों कल सुबह एयरलिफ्ट किया गया, प्रभारी मंत्री तो हरेली के